दोस्तों इस वीडियो को देखते देखते मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शायद हो सकता है ये आपको प्रेरित करे, आकर्षित करे। ये जो पिकॉक्स हैं, जिनके लिए ये पानी पीने के स्थान है, ये एकमात्र इस पूरे जंगल में स्थान है। और इस पानी की व्यवस्था को मैंने दोस्तों मेरे YouTube के पहले पेमेंट से किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन पक्षियों को कुछ करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब देखो मैं पूरा जंगल दिखाता हूँ आसपास का। इस पूरे जंगल में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो मैं बचपन से जब छोटा था तो इधर मैं घूमा करता था, मैं कभी ऊँट चराया करता था दोस्तों यहाँ पर। आजकल मैं YouTube पे काम करता हूँ, तब मुझे लगा कि यार इन पक्षियों को, अब मैं यहाँ आया तो इनका कहाँ से व्यवस्था की जाए। तो मैंने यहाँ से कुछ शुरू में एक दो वीडियो बनाए और वो मैंने YouTube पे डाले। YouTube से जैसे मैंने देखा पैसा आने लगा, तो मैंने सोचा कि इन पक्षियों को यार इतने सारे पिकॉक्स हैं हजारों की संख्या में पहाड़ों में, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों देखो मैं जूम करके आपको पहाड़ों ऊपर भी बहुत सारे पिकॉक्स दिखाता हूँ। तो मैंने आसपास यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक महात्मा की कुटी है। उस महात्मा की कुटी से मैं कुछ पहले पेमेंट, मेरा जो YouTube का पहला पेमेंट था वो मैंने पूरे इन पक्षियों के लिए लगा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम वो पानी की जो व्यवस्था भी है। अब मैं इसमें आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कि कितना था, लेकिन बस लगा दिया मैंने इनके लिए कर दिया। अब हमेशा वो जो एक होली मैन है, वो जो महात्मा है, वो हमेशा उस नली को अपने एक नल में लगा देता है और यहाँ पूरे एरिया में पानी की व्यवस्था हो जाती है। पूरे एरिया मीन्स जो मैंने वो सीमेंट का भी वो कुंडा सा आपको दिखा था पिकॉक के आसपास, वो बनाया है इस पूरे के पूरे पहाड़ी में। ये देखो ये बहुत सारे पिकॉक्स हैं, लेकिन इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है आपको। थैंक्स ए लॉट।